हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? बहुत दिनों के बाद आज मेरा रेसिपी व्लॉग डाल रही हूँ मैं। आज की मेरी रेसिपी है पिज़्ज़ा बेस। जो हम पिज़्ज़ा बनाते हैं उसका बेस मैं घर पर रेडी कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ले लूँगी इसमें मैदा। आप चाहे जितने भी बना सकते हैं, क्वांटिटी आपके डिपेंड करती है। मैंने यहाँ पर 3 to 4 कप मैदा लिया है। अब मैं उसमें ऐड करूँगी नमक, चीनी और ये है यीस्ट। ये फॉर्मेट जल्दी हो जाती है। आप चाहे तो इसे पानी में 10-15 मिनट के लिए रख कर फिर ऐड कर सकते हैं या डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्ट डालूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे डालूँगी मिल्क पाउडर। ये आप स्किप कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको मन है डालने का, एज यू विश। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा ऑयल और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप चाहे तो इसे गर्म पानी से भी आटा गूंथ सकते हैं या गर्म वार्म थोड़ा सा दूध से भी। मैं यहाँ पे पानी से आटा गूंथ लूँगी और इसे हमें अच्छे से गूंदना है। आटा 5 से 10 मिनट तक अच्छे से इसे गर्म पानी से आटा गूंदना है। एकदम स्टिकी डो हमें चाहिए इसका, एकदम जो हाथ में लगता है वैसे। देखिए स्टिक एकदम ऐसे लगना चाहिए, नरम नरम। जितना स्टिकी डो बनेगा उससे ज़्यादा सॉफ्ट आपके पिज़्ज़ा बेस बनेंगे, ठीक है। अब ये देखिए हाथ में चिपकने लगा है। ये स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा बटर। बटर डाल के भी हमें इसे अच्छे से गूंदना है 2 से 3 मिनट के लिए। ये देखिए हमारा आटा अच्छे से हो चुका है। अब ये स्टेज पर मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला था। आप इसे ऑयल डाल के और थोड़ी देर गूंद लीजिए और इसे कवर करके रख दीजिए मैक्सिमम 2 घंटे के लिए। तो देखिए हमारे 2 घंटे हो चुके हैं। हमारा आटा माशाल्लाह एकदम फॉर्मेट हो चुका है, एकदम फूल के रेडी हो चुका है आटा हमारा। ये देखिए एकदम स्पॉन्जी एंड सॉफ्ट। मैं इसे फिर से थोड़ा सा गूंद लूँगी 1-2 मिनट के लिए। और मैं इसके, आप चाहे तो इससे आप पिज़्ज़ा बेस बना सकते हैं, वड़ा पाव के जो पाव होते हैं वो बना सकते हैं। ये सेम रेसिपी है सबके लिए, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा सूखा मैदा डाल दूँगी और थोड़ा सा आटे को मैं गूंद लूँगी 1-2 मिनट के लिए और इसके बॉल्स रेडी कर लूँगी। यहाँ पे मैं मिनी पिज़्ज़ा बना रही हूँ, इसलिए मैंने एकदम छोटे छोटे आटे के लोइए बनाए हैं और उसी से मैं पिज़्ज़ा बेस बनाऊंगी। आप चाहे तो बड़ा भी कर सकते हैं आपके हिसाब से। देखें यहाँ पे इस तरीके से मैंने लोइए बना लिए, अच्छे से इसे राउंड शेप दे दिया है। अब हम चाहेंगे इसे बेलने के लिए। आप चाहे तो इसे हाथ से बेल सकते हैं बेलन से, या तो इसे टैप टैप करके भी रेडी कर सकते हैं। ये देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मैदा डालती जाऊँगी और इसे हाथ से टैप करती जाऊँगी। ये देखिए मेरे मिनी जो पिज़्ज़ा बेस है वो रेडी हो गए हैं। अब हम इसे क्या करेंगे, फोक की हेल्प से इसके ऊपर थोड़ा सा इसे कट कर देंगे ताकि ये एकदम फूले नहीं, ठीक है। अब हम इसे बनाएंगे तवे पे। आप चाहे तो ओवन में रेडी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे तवे पे पका रही हूँ, सबके वहाँ ओवन नहीं होता, हम तवे पे इजीली बन जाएंगे। ये देखिए ज़्यादा हमें नहीं पकाना है, ये देखिए थोड़ी देर 1-2 सेकंड के लिए एक तरफ और 2-3 सेकंड के लिए दूसरी तरफ। तो ये आराम से हमारे पिज़्ज़ा जो बेस है वो रेडी हो जाएंगे। देखिए हमें ज़्यादा इसे कलर नहीं देना, ब्राउन ज़्यादा नहीं करना, नॉर्मली ये पक जाएंगे। ये देखिए हमारा एक बेस रेडी हो चुका है। अब हम इसी तरीके से हमारे सारे जो मिनी पिज़्ज़ा के जो बेस है वो रेडी कर लेंगे। ये देखिए हमारे सारे बेस रेडी हो चुके हैं और ये एकदम सॉफ्ट और फूले फूले से बने हैं। हमारे बेस रेडी है, एकदम इजी रेसिपी है और जल्दी भी बन जाएगा। आप घर पर ही बना सकते हैं, ट्राई कीजिए और बनाइए।